हेलो गाइस, वेलकम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अबे वो थोड़ा वेकेशन पे बाहर था, ठीक है, इसलिए। सो यस, वीडियो आ चुकी है फाइनली। सो ये वीडियो होने जा रहा है लोन वुल्फ के ऊपर, और बेसिकली मेन टॉपिक ये है कि लोन वुल्फ में तुम लोग वन टैप के साथ गेम को कैसे बुया कर सकते हो, ठीक है। मतलब ओनली रेड नंबर के साथ। तुम लोग ऐसे यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोज देखते हो, बाय टाइटल ओवर कॉन्फिडेंट लिखा रहता है, जिसमें क्या करता है बंदे लोग सारे एमओ वगैरह फेंक देता है, ठीक है, और गन में बस एक ही एमओ रहता है और एक ही चांस में वो लोग वन टैप ले जाता है, ठीक है, बंदों को मार देता है लोन वुल्फ में। यस गाइस, तुम लोगों को भी कुछ मैं ऐसे टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे कि तुम लोग लोन वुल्फ में इजीली तुम लोग ऑनली वन टैप के साथ गेम को बुझा कर सकते हो। और सही बताऊँ तो लोन वुल्फ उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा इजी लगता है लोन वुल्फ खेलने में, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होता है जैसे लोन वुल्फ खेलना। सो यस गाइस, चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, एंड तक देखना, वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। उससे पहले जो जो बंदे इस चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखो इस चैनल पर बहुत ही डेंजरस टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिल जाते हैं जो शायद ही यूट्यूब में कोई बोलता होगा। सो यस, इस बात पर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहला टिप्स एंड ट्रिक्स तो यही है, तुम लोग लोन वुल्फ में कभी ऐसा टीममेट मत लो जो अपने ही टीममेट को मारने में तुला होता है, देखो। सो यस गाइस, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है, तुम लोग डुओ भी खेल सकते हो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग डुओ खेलो, ठीक है, क्योंकि देखो डुओ में क्या एडवांटेज मिलता है, तुम लोग बोर नहीं होते हो, ठीक है, और इजिली हीरो तो कुछ भी कर सकते हो बहुत इजिली। सो यस, डुओ भी खेल सकते हो तुम लोग। चलो अभी मेन टॉपिक पर आते हैं कि हम लोग लोन वुल्फ में वन टैप के साथ गेम को बुया कैसे करें, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहला ट्रिक जो मैं बोलने वाला हूँ, ये ट्रिक आई थिंक सो मैंने इस वाले वीडियो पर कवर कर रखा था, ठीक है, या फिर 1v1 वाले वीडियो पर, मतलब किसी एक वीडियो पर मैंने कवर कर रखा था, बट काफी पुराना वीडियो हो चुका है। सो मैं रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो लोन वुल्फ एक ऐसा जगह है जहाँ पर ये ट्रिक तुम लोग सबसे ज्यादा यूज कर सकते हो, ठीक है, ये फर्स्ट वाला ट्रिक। और इस फर्स्ट ट्रिक का नाम है कन्फ्यूज रस, क्योंकि देखो लोन वुल्फ में क्या सीन है, यहाँ पर तो बहुत सारे कवर्स देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे कवर्स, यानी कि बहुत इजीली हम लोग क्विक कवर ले सकते हैं, क्विक कवर से निकल सकते हैं, और मतलब दो ही ग्लू बॉल रहता है तो हमें सबसे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता है कवर के ऊपर, ठीक है। तो बस ऐसे कंडीशन में इतने सारे कवर्स का यूज करके तुम लोग एक बहुत ही डेंजरस टेक्निक यूज कर सकते हो, जो कि है कन्फ्यूज रस। अब देखो मैं इसका डायरेक्ट एग्जांपल में आता हूं जिससे कि तुम लोगों को बेहतर आइडिया लग जाएगा, ठीक। यहां पर देखो सामने एनिमी है, ठीक, यहां पर मैं जा रहा था स्ट्रेट, यानी कि सीधे एनिमी के। अब देखो यहां पर मैं कन्फ्यूज करूंगा एनिमी को कैसे, देखो यहां पर मैं स्ट्रेट जा रहा था, ठीक है, यहां पर देखो मैं फायर ना करके मैंने क्या करा, मैं लिया एक राइट टर्न, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूरा मैं एक राइट टर्न ले चुका हूँ, बट ये राइट टर्न मेरा पूरा नहीं जाएगा, मैं यहीं पे रहूंगा, ठीक है। जस्ट मैंने एनिमी को कन्फ्यूज करने के लिए उसको दिखाया कि मैं उधर से घूम रहा हूँ, यही होता है कन्फ्यूज रस, ठीक है। अब दो चीज को समझो, ठीक है, यहाँ पर देखो मैं घूमा बट मैं उधर नहीं गया, मैं फिर से यहीं पर आ चुका, बट क्या एनिमी को ये चीज पता चला, नहीं चला। एनिमी को क्या लगा अभी भी कि मैं उधर से घूम के जाने वाला हूँ। तो देखो एनिमी यहाँ पर ज्यादा माइंड लगाएगा, वो सोचेगा मैं इसको पीछे जाकर मारूंगा इजिली। अब देखो एनिमी सीधा इधर दौड़ते हुए आएगा, एंड गाइस मैं लिख के देता हूँ मोस्ट ऑफ द एनिमी यही गलती करता है हर एक टाइम पे। तुम लोग देखो देखो ये भी सीधा आता है, और इसको घंटा पता है कि मैं यहीं पे खड़ा हूँ, इसको लगा कि मैं उधर घूम चुका हूँ, ठीक है, और जैसे वो आता है उसको पड़ जाता है इजिली वन टैप। सो यस गाइस, ऐसे कवर्स का यूज करके तुम लोग एनिमी को कन्फ्यूज करके इजिली मार सकते हो। ऐसे गाइस तुम लोगों को मेरे वीडियोस में और भी ऊपर मोंटाजेस देखने को मिल रहे हैं, इसमें देखो साफ साफ दिख रहा है कि मैं एनिमी को कैसे कन्फ्यूज करके मार रहा हूँ। यस गाइस, इस टेक्निक का तुम लोग यूज कर सकते हो लोन वुल्फ में वन टैप लेने के लिए। तो गाइस ये तो हो गया एक आईक्यू वाला ट्रिक, ठीक है, मतलब तुम लोग आईक्यू लगाओगे तो ये चीज काम करेगा। अब गाइस हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग एनिमी के एकदम फेस टू फेस चले जाए ऐसे कंडीशन में हम लोग कैसे एनिमी को मार सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो हम लोग उसको कंफ्यूज कर नहीं सकते, ठीक है। सो गाइस अगर एनिमी बहुत क्लोज आ जाता है, ठीक है, फेस टू फेस आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में तुम लोगों को एक से दो ही चांस मिलता है कि मतलब तुम लोग उसको वन टैप मारोगे, क्योंकि देखो अपोनेंट एनिमी तो वन टैप खेलेगा नहीं, ऐसे बहुत सारे एनिमीज आते हैं जो वन टैप नहीं खेलता, सिंपल से स्पैम करेंगे M10 वगैरह लेके, मैग लेके, ठीक है। सो अगर मैग का स्पैम आता है तो तुम लोग सोच सकते हो तुम लोगों को बस एक ही चांस मिलेगा अपोनेंट एनिमी को नॉक करने का या फिर किल करने का, ठीक है, नॉक तो होता नहीं यहाँ पर। अब देखो गाइस ये जो एक चांस मिल रहा है इसमें हम लोग इतना ज़्यादा परफेक्ट होना पड़ेगा कि मतलब लगना ही चाहिए वन टैप, ठीक है। और अगर तुम लोग मेरे क्लिप देखोगे, देखो मैं एक या दो चांसेस में इजीली अपोनेंट एनिमी को उड़ा देता हूँ, बहुत इजीली, ठीक है। अब देखो मैं ये कैसे कर पाता हूँ, देखो गाइस मैं तुम लोग हर एक वीडियो में बोलता हूँ वन टैप लेने के लिए दो तीन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ तो एमिंग, दूसरी चीज़ है डायरेक्शन ऑफ ड्रैग, मतलब किस डायरेक्शन में तुम लोग ड्रैग कर रहे हो। अभी देखो अपोनेंट किसी भी कंडीशन में रहेगा, सबसे पहला तुम लोगों का काम ही रहेगा कि तुम लोग अपने एम को सही जगह पे एडजस्ट करो। सो देखो तुम लोग एम को कहीं पर भी रख सकते हो, लाइक ऐसे लेफ्ट और राइट और पैरों के नीचे। मैं प्रेफर करता हूँ पैरों के नीचे क्योंकि मेरा इजी होता है वहाँ से, सिंपल सी बात है। और गाइस मैंने इस वीडियो पर तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि अपोनेंट एनिमी अगर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट रेंज में होता है ऐसे कंडीशन में तुम लोग बॉडी पर एम रख के कभी भी हेडशॉट नहीं मार सकते, ठीक है। सो गाइस जैसे लोन वुल्फ हो या फिर कस्टम हो कुछ भी हो, अगर एनिमी बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज में होता है, ठीक है, सो अपने एम को ऐसे पैरों के नीचे करो और जिस डायरेक्शन पे हेड जा रहा है, मतलब अगर वो लेफ्ट जा रहा है लेफ्ट को ड्रैग करोगे, राइट जा रहा है राइट को ड्रैग करोगे, सिंपल सी बात है। और अगर अपोनेंट एनिमी सीधा खड़ा है तो सीधा ड्रैग करोगे ऐसे, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा एम को नीचे रखना और ट्रैक कर देना, एक ही चांस में तुम लोगों का वन टैप लग जाएगा, ठीक है। और अगर तुम लोग पीसी प्लेयर हो तब तो भाई बॉडी पर रख के भी इजीली वन टैप मार सकते हो। और इधर तो गाइस ऊपर जितने भी क्लिप देख रहे हो
मेरे एम को सिर्फ नोटिस करो कहाँ पर मेरा एम है। देखो वन टैप मारने से पहले मैं एम को कहाँ ले जाता हूँ, पहले हर एक बार देखो मैं एम को पहले नीचे ले जाता हूँ, उसके बाद ड्रैग करता हूँ और इजीली वन टैप भी लग जाता है। तो गाइस थर्ड टिप्स है तुम लोगों के लिए, वो है बेस्ट गन। अब देखो गाइस हर एक बंदे का एक फेवरेट वन टैप गन होता है, लाइक मेरा है डेजर्ट ईगल, सो बहुत सारे बंदों का अपना अपना फेवरेट गन होता है, ठीक है। सो यस गाइस तुम लोग वही गन लेना, ठीक है, और अपोनेंट एनिमी को ज्यादा चांसेस मत दे, मतलब जब तुम लोग गन लेने का मौका मिले ऐसे कंडीशन में सिर्फ एक ही गन लेना जिसमें तुम परफेक्ट हो, और अपोनेंट एनिमी को मिलेगा नहीं तो वो मार ही नहीं पाएगा उतने अच्छे तरीके से। और ये सही बता रहा हूँ, ये पर्सनली मैं खुद यूज करता हूँ, ठीक है। काफी सारे ऐसे बंदे होते हैं जिसको ड्रैगनो चलाना नहीं आता और मैं इधर ड्रैगनो ले लेता हूँ जानबूझ के, और कहीं कहीं बार फार्मास, ठीक है, और फार्मास लेके शॉर्ट रेंज में चले जाता हूँ और ड्रैगनो लेके शॉर्ट रेंज में चले जाता हूँ। ऐसे ओपोनेंट एनिमी ऐसे स्प्रे करता है इतना सोलो रेट ऑफ फायर ड्रैगनो का, मुझे मार ही नहीं पाता और मैं देखो इजीली ड्रैगनो से वन टैप मार देता हूँ बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। तुम लोग ओपोनेंट एनिमी का एक दो राउंड गेम प्ले देखोगे तो उसी में पता लग जाएगा कि ओपोनेंट एनिमी कौन सा गन नहीं चला पाएगा। तो ये है गाइस आज के लिए इतना ही, आया तुम लोगों को वीडियो पसंद आया है, और इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है, लोन वुड में वन टैप मारना इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता जितना तुम सोचते हो। सो अभी के लिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बंदे चल पर नहीं आ रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे आ सकते हो तुम लोग, उधर मुझे डीएम कर सकते हो, मतलब मेंशन करके तुम लोग कोई भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि गाइस तुम लोग अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते हो मैसेज बॉक्स में तो इम्पॉसिबल होता है गाइस रिप्लाई दे, मैं बहुत सारे बंदों को देता हूँ बट काफी सारे बंदों को छूट भी जाता है। तो यस तुम लोग अगर कोई मेंशन करके मुझे क्वेश्चन पूछता है तो उसका रिप्लाई गाइस 101% देता हूँ, ठीक है। तो यस इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उधर जाओ और फॉलो करो, और कुछ भी क्वेश्चन पूछना होगा, ठीक है, तुम लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए कुछ भी पूछना हो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे मेंशन करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो यस गाइस चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।